स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हमारे टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की, जिसमें हमारी बुक चल रही है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। क्या? टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। प्रीवियस वीडियो में हमने बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात की, हमने रॉयल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लालबाग बेंगलोर एंड सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात की। प्रीवियस सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, यदि आप सभी उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? इसे हर्बेरिया भी कहते हैं, कहीं कहीं हर्बेरिया के नाम से आप सभी को मिल जाएगा ये वर्ड। तो दोनों सेम ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आप सभी को हर्बेरियम के बारे में बताना चाहूँगी कि हर्बेरियम प्लांट्स को प्रिजर्व करने की टेक्निक है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम प्लांट्स को प्रिजर्व करने की टेक्निक है, जिसे प्रेस एंड ड्राई करके, जिसे दबाकर और सुखाकर वाइट पेपर पे माउंट किया जाता है और उसकी लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग मतलब प्लांट के बारे में सारी जानकारी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम द्वारा, जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी कि वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसके द्वारा प्लांट के बारे में सारी जानकारी देना। प्लांट को हमने कहाँ से कलेक्ट किया, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कहाँ पर वह प्रायः जनरली रूप से पाया जाता है, वो सब लेबलिंग में लिखा जाता है। तो उसकी लेबलिंग करना और उसे फाइल में अरेंज करना क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी नोट डाउन कीजिए, हर्बेरिया ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन की कलेक्शन है, जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने हर्बेरियम के बारे में जान लिया है कि हर्बेरियम क्या होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया, यानी कि हर्बेरिया की हिस्ट्री क्या है। हर्बेरिया वर्ड का यूज सबसे पहले इटालियन प्रोफेसर लुका घिनी द्वारा किया गया था। लुका घिनी, जो कि 1490 to 1556 हर्बेरिया बोर्ड का यूज किया गया था। उन्होंने कुल 300 प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया था, यानी कि उनके पास कुल 300 प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन था, जो कि हर्बेरियम स्पेसिमेन थे। लुकागिनी द्वारा किया गया था। लुकागिनी ने हर्बेरिया वर्ड का यूज किया था। इस तरह इन्हें हर्बेरियम के फादर के रूप में जाना जाता है, इन्हें हर्बेरियम के इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने अपने हर्बेरियम वर्ड का यूज हर्बेरियम वर्ड का यूज पिटोन डी पिटोन डी टर्नफोर्ट ने अपनी बुक, इनकी बुक की एक एलिमेंट्स, पिटोन डी टर्नफोर्ट ने अपनी बुक एलिमेंट्स में इस वर्ड का यूज सबसे पहले किया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को, प्लांट का कोई भी पार्ट, यानी कि छोटा सा पार्ट। तो हर्बेरियम में मेन क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट एंड उसका फ्रूट वाला पार्ट। हर्बेरियम के लिए हम चूज़ करते हैं। सो प्लांट के किसी भी पार्ट को ड्राइड एंड प्रेस करके, यानी कि दबाकर और सुखाकर उन्हें वाइट पेपर पर माउंट करना ही क्या कहलाता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम वर्ड का यूज सबसे पहले पिटोन डी टर्नफोर्ट ने अपनी बुक एलिमेंट्स में किया था, और लुकागिनी ने सबसे ज़्यादा हर्बेरियम का कलेक्शन, सबसे पहले इनके पास 300 हर्बेरियम का कलेक्शन था।
तो हर्बेरियम का श्रेय किसे जाता है? लुका गिनी को इसका क्रेडिट जाता है। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हर्बेरियम टेक्निक। सो फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ हर्बेरिया के बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले प्लांट्स को फील्ड से कलेक्ट करके उन्हें प्लांट स्पेसिमेन यानी हर्बेरियम स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व करना और उनकी लेबलिंग करना, माउंटिंग करना, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पेपर पर लिखना क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, जिसमें कि हम प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं फील्ड में जाके प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन कैसे करते हैं? हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कटर होना चाहिए, डिगर होना चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो है फील्ड नोटबुक। में हम क्या नोट करते हैं? फील्ड नोटबुक में हम ये नोट करते हैं कि हमने प्लांट्स को कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लांट का कलर क्या है, फ्लावर का उसके लीव्स का क्या कलर है, वेनेशन क्या है, लीव्स का वेनेशन क्या है, ये सब हम उस पर नोट करते हैं। यानी कि उसकी लोकेलिटी कहाँ पर वो पाया जाता है अधिक मात्रा में, ये सब हम क्या करते हैं फील्ड नोटबुक में नोट करते हैं। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इसमें भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें सेकेंड स्टेप है हमारा प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, जिसमें कि प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रेस करते हैं, या तो हम फील्ड में ही उन्हें प्लांट प्रेस में रख देते हैं, या तो उन्हें हम वेस्कुलम में ले आते हैं और बाद में प्रेस करते हैं। तो प्लांट स्पेसिमेन को प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन को सुखाते हैं, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। ये हमारा थर्ड स्टेप है हर्बेरियम टेक्निक का, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। यानी कि प्लांट स्पेसिमेन को प्रेस करने के बाद हम स्पेसिमेन को सुखाते हैं। सुखाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में हम प्लांट प्रेस को सनलाइट में रख देते हैं, जिसमें कि वो सूख जाता है, तो उसे उस वाले पेपर शीट से निकाल के एक फ्रेश पेपर शीट में रखते हैं और उसे दोबारा से सनलाइट में रख देते हैं, तो प्लांट स्पेसिमेन सूख जाता है। सेकेंड मेथड क्या होता है हमारा? सेकेंड मेथड होता है ड्राई करने का, हमारा होता है आर्टिफिशियल हीट, जिसमें कि हम स्पेसिमेन को आर्टिफिशियल हीट द्वारा ड्राई करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन को सुखाने के बाद उसे हम हर्बेरियम सीट पर माउंट करते हैं, जिसके बाद हर्बेरियम सीट पर स्पेसिमेन को माउंट करने के बाद यानी कि उसे चिपकाने के बाद क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं, प्लांट की लेबलिंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया लेबलिंग में क्या किया जाता है। लेबलिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हम लोकेलिटी लिखते हैं, लोकेलिटी लिखेंगे। हम चाहें तो फ्लावर के कलर को नोट कर सकते हैं, कलर ऑफ फ्लावर। थर्ड में हम फैमिली, प्लांट की फैमिली नोट करते हैं। फिर कलेक्टर, जिसने कि प्लांट को कलेक्ट किया होता है, जैसे कि आप यदि प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, यानी कि कलेक्टर आप हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर। और सिक्स पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? उसका कॉमन नेम या फिर कॉमन यूज। ये हो गया लेबलिंग। लेबलिंग में कॉमन नेम यानी कि कॉमनली उसे किस नाम से जाना जाता है या फिर उसे किस फॉर्म में यूज किया जाता है, वो सब हम लिखते हैं। तो ये हो गया लेबलिंग के लिए पॉइंट, से ये होते हैं। अब प्लांट की लेबलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? सीड्स को फाइडिंग करते हैं, यानी कि उसे एक फाइल में लगाते हैं, जिससे कि वो प्रिजर्व रहें। माउंटिंग करने से पहले प्लांट्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक स्टेप होता है, उसमें कि हम केमिकल सॉल्यूशंस द्वारा प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट और फंगी उन्हें खराब ना करें। फंगीसाइड हो गए, जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, तो उसे हम यूज़ करते हैं। किस लिए? जिससे कि हमारे स्पेसिमेंस को डैमेज ना करें वो। इसके लिए हम क्या करते हैं? फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। तो हम सीड्स को फाइल में लगा देते हैं,
ये हो गया हमारा हर्बेरियम टेक्निक। ये हर्बेरियम का प्रोसेस हमारा 6 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब स्टेप्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने हर्बेरियम, हिस्ट्री ऑफ हर्बेरियम एंड हर्बेरियम टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। सारी वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाते हैं, यदि आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।